नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं दीपावली के पांच दिन के पर्व से जुड़ा हमारा विशेष दिवाली गोधन वाली। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय के अंगों में अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म मानने वाले गाय के गोबर का इस्तेमाल करते आए हैं। मान्यता यह है कि गाय का गोबर बहुत शुभ होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। मान्यता यह भी है कि गाय के गोबर में धन लक्ष्मी का वास होता है। यदि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल किसी भी कार्य में करते हैं तो उसके शुभ परिणाम सामने आते हैं। इस शुभ को घर घर पहुंचाने के लिए आचार्य गोदास जी गाय के गोबर से दिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और अन्य बहुत से सजावट के सामान न केवल तैयार कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी बनाना सिखा रहे हैं। आपके बारे में संक्षिप्त परिचय तो मैंने दे दिया। त्योहारों का अवसर है और ये देश जो है कहीं ना कहीं उत्सवों, पर्वों और त्योहारों का देश माना जाता है। रक्षाबंधन से जो हम त्यौहार की कड़ी मनाना शुरू करते हैं तो उसकी एक लंबी फहरिस्त बन जाती है। गाय के गोबर को शुभ माना जाता है, इसके बारे में शास्त्रों में विधान है जिसके बारे में शुरुआत में मैंने चर्चा भी कर दी है। आप गाय के गोबर से क्या कुछ निर्माण कर रहे हैं? आपने बहुत सुंदर कहा। सबसे पहले तो मैं आपको आचार्य गौदास गौ माता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संसद टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता आप सबका कल्याण करे। और आपने जैसा कहा कि भारत की सत्य सनातन गौ संस्कृति मान्यताएं हैं, परंतु आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज केवल मान्यताएं नहीं, आज साइंटिफिक नासा, ब्राज़ील, दिल्ली IIT, भामो एटॉमिक सेंटर, ऐसे अनेकों जो वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके साथ हमारा जो रिसर्च हुआ कि गाय का गोबर के अंदर जो 16 एलिमेंट्स हैं, 16 तत्व हैं, वो पूरे आपने कहा पंच दिन की दीपावली, और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा पंच तत्व का शरीर, और पंच तत्व में पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन सब के सुरक्षा का कवच यदि इस धरा पे कुछ है तो वो है पंचगव्य, और वो पंचगव्य निर्माण होता है भारतीय देसी नस्ल की गाय से। क्या बात है, और इसीलिए इन पंच तत्वों को ही भगवान कहा गया है। सत्य कहा जी, ये पंच देव कहलाए गए जी, और इस पंच देव इसीलिए कहलाए गए क्योंकि सृष्टि का पर्यावरण, यदि हम साइंटिफिक जो हमें वैज्ञानिकों के साथ चर्चा हो रही है कि दुनिया के अंदर जितनी धरती है उसमें केवल भारत की धरती बची हुई जहाँ गाय के गोबर से कृषि होती है, विष मुक्त खेती होती है, आज यूरिया पेस्टिसाइड आने के कारण वो धरती कुछ वर्षों में बंजर हो जाती है, यदि हम पंचगव्य का सेवन करते हैं, वहाँ गाय आधारित खेती करते हैं तो वो धरती उर्वरक हो जाती है। तो भारत की गाय में और विदेशी गाय में क्या अंतर है? क्या उनके भी दूध में गुण दोष में कुछ अंतर पाया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। संसद टीवी के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो ब्राज़ील के वैज्ञानिक, उन्होंने जो रिसर्च करा 2005 में, उस प्रोजेक्ट का नाम है BCM7 A1 मिल्क। आजकल इस देश में और दुनिया के देशों में, अमेरिका में खासकर, बहुत चर्चा है कि A2 घी दे दो। तो भाई A2 घी क्या होता है? तो लोग कहते हैं भारतीय देसी नस्ल की गाय का। तो ब्राज़ील की जब वो रिपोर्ट आई तो इंग्लैंड की धरती पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, लाखों टन दूध फेंका गया और कहा गया कि गाय के दूध में राक्षस है। उस पर पुस्तक लिखी, और मतलब विदेशी गाय जर्सी, फ्रीजियन, नार्वन, ऑस्ट्रेलियन, और उसको यदि हम साधारण लोग बिना विज्ञान के समझना चाहें तो आप भारतीय देसी नस्ल गाय को भर पेट भोजन दीजिए और रेगिस्तान के खुले मैदान में बैठा दीजिए,
वो बैठकर जुगाली करेगी। और जो विदेशी गायें हैं उनको पेट भर खाना खिलाइए और रेगिस्तान के मैदान में बैठाइए, वो दहाड़ मारती है। और इसी प्रकार हिमालय के अंदर भारतीय गायें भरपेट खाना खाने के बाद बर्फ पे भी जुगाली करेगी, और जर्सी गायें जो है वो तो गलत नहीं है इसमें हमारा जी, भाव जी। ये गुण नहीं है। उसका भी एक कारण जो हमारे शोध में आया कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के पेट की आंत 180 फीट लंबी है और वो जो जुगाली करती है, क्योंकि गाय का गोबर ही पवित्र शुद्ध 84 लाख योनियों में सबका मल मल है, गाय का मल मल नहीं मल शोधक है। और सनातन में जो मंदिर बनते हैं लाखों करोड़ों, वहां जो मूर्तियां प्रतिष्ठा नहीं की जाती, प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण डलते कम है जब पंचगव्य आधारित प्रोसेस से उस मूर्ति का निधान। आपने गाय के गोबर के शुद्धिकरण की बात की कि बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और हम देखते हैं कि अभी तो थोड़ा सा इसका चलन कम हो गया है, लेकिन गाँव में घरों में जो फ्लोर होता था हमारा, उसकी लिपाई होती थी वो गाय के गोबर से हुआ करती थी। कहते थे कि उस लिपाई के बाद ही स्वच्छ होता था घर, शुद्ध होता था, पवित्र होता था। तो क्या पवित्र समाहित है गाय के गोबर में, और क्या उसका संबंध गाय के भोजन से भी है? क्या आपने आंत की बात तो कही है, क्या गाय के भोजन से भी संबंध है उसके गोबर की शुद्धता का? जी, बहुत आपने सुंदर कहा। अभी वैज्ञानिकों ने भी मेरे से चर्चा की तो वहां चर्चा आई शुद्धता की। हाइजेनिक पे तो लोग ध्यान दे रहे हैं जी। अभी आपने भी अपनी चर्चा में एक बात छोड़ दी, स्वच्छता पे तो ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छ, यदि हम फ्लोर क्लीनर जो लगाते हैं लाइजोल डोमैक्स फेनाइल जी, यदि आप उसके पढ़ेंगे तत्व तो बड़े भयानक है। अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक हुए, उनकी एक वेव थ्योरी है तो दर्द की तरंगे, जब हम फ्लोर क्लीनर लगाते हैं हाइजेनिक हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, पर स्वस्थ नहीं होते। गाय के गोबर में, क्योंकि गाय को हम ऋतु अनुसार, भारत की 6 ऋतुएं हैं तो गाय का भोजन 6 ऋतुओं में बदला जाता है, जिसके कारण गाय के गोबर की वो क्वालिटी आती है जो स्वच्छ होती है पर स्वस्थ भी होती है। अभी हाल ही में G20 का सफल आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ, उससे भी जो है गाय के गोबर से निर्मित किसी वस्तु का आदान प्रदान आपके माध्यम से हुआ। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ब्राजील के प्रधानमंत्री जिनको G21 की अध्यक्षता मिली, उन्होंने गाय के गोबर में एक वृक्ष छोटा सा लगाकर भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को वो फ्लावर पॉट भेंट किया। अच्छा, तो वो फ्लावर पॉट भी जो है वो गाय के गोबर से निर्मित, गाय के निर्मित। चलिए अब पर्व और त्योहारों की बात कर लेते हैं। बड़ा पर्व है, महान पर्व है, और क्या क्या निर्मित किया गया है गाय के गोबर से इस पूरे वृद्ध जो है त्योहार को लेकर? त्योहारों को लेकर आपने अभी 5 मिनट पहले प्रारंभ में एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि भारत की संस्कृति संस्कारों के साथ पर्व और त्योहारों की एक परंपरा श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ती है जी। जिसमें आपने अपने उद्बोधन में कहा रक्षाबंधन, तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं कि हमारे देश में ट्राइबल एरिया जो है, वनवासी क्षेत्र में जो हमारी गरीब बहनें हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बहनें हैं, हमारे गौ विज्ञानकों ने हमारे गौ अनुसंधान के माध्यम से, अखिल भारत गौ सेवक समाज बहुत प्रयास कर रहा है, गौ काउंसिल ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है। क्या प्रयास? जो आपने कहा, हमने 32 लाख गाय के गोबर से राखियां निर्मित करवाई और देश और विदेशों में भी वो भिजवाई। अच्छा, इसी प्रकार रक्षाबंधन के बाद जो हम इस पंच त्योहारों की बात कर रहे हैं जो दीपावली से जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि दीपावली कथा कहानियों में सुनते हैं कि प्रभु राम 14 वर्ष का वनवास काटकर जब अयोध्या नगरी अपने घर लौट, अयोध्या वासियों ने अनेकों अनेक असंख्य, क्योंकि शास्त्रों में जो कहा गया गोबरी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो वहां लाखों दीपक गाय के गोबर के ऊपर जोत प्रज्वलित कर की गई
और इतने दीपक थे कि रात्रि के समय दिन प्रकट हो गया, इसलिए इसका नाम दीपावली पड़ गया। क्या बात है। और हम इसी में यह मेरे हाथ में देख रहे हैं जी, ये गाय के गोबर से बने हुए। अच्छा। ये रंग से आपको नहीं समझ आ रहा होगा जी, ये देखिए आप कि किस प्रकार से ये सिंपल गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है और इसके अंदर हमारी सेवा बस्ती की बहनों ने ये सुंदर रंग भर दिए, क्योंकि दिवाली के साथ हमारे जीवन में जो उदासी है, निराशा है, वो रंगों से, उमंगों से भर जाए, इसलिए इस दीपक में ये रंग भरे। ये दीपक क्योंकि प्रज्वलित किया जाता है, अग्नि जो है उसका प्रयोग किया जाता है या प्रज्वलित किया जाता है, और गाय का गोबर जो है वो भी जो है ऊष्मा और अग्नि को पकड़ लेता है, तो जब इसको प्रज्वलित करते हैं तो ऐसा ना हो उसके लिए इसमें कुछ और तत्व भी उसका मिश्रण किया गया है क्या, किस तरीके से? जी आपने बहुत अच्छा बताया जी, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर हम मिट्टी के दिए इस्तेमाल करते हैं जी, उसमें ऐसी जो है आशंका नहीं रहती है। बिल्कुल सत्य जी। पहला सिद्धांत जो वैज्ञानिक समाज को ज्यादा नहीं हम जानकारी दे पाते, गाय को कौन सी ऋतु में कौन सा चारा देना, तो ये जो शरद ऋतु है, दीपावली के जो पर्व आएंगे इनमें ये दीपक अग्नि को ना पकड़ लें प्रज्वलित होने के बाद समाप्ति पर, तो हमने इसमें ग्वार गम नाम का एक पाउडर होता है, या हम जो गांव में रहने वाली हमारी बहनें हैं गरीब, उनको बताते हैं कि आप अपने वहाँ तालाब की मिट्टी 10% 1 किलो में 100 ग्राम, जो हमारे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वहाँ जंगलों में पेड़ों में ऐसे लेस निकलती है, गोंद निकलती है, उसका 10% भाग गोबर में मिलाना है, तो वो बाइंडिंग भी करेगा, ये आप गोबर की शेप देगा और आसानी से फिनिशिंग के बाद जब हम इसे प्रज्वलित कर देंगे तो वो तत्व ऐसे हैं जो आपने कहा, तो वो इसमें अग्नि दीपक जो है वो नहीं। हम गाय के गोबर की शुद्धता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें तेल या घी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या गाय के दूध से बना हुआ घी, देसी घी, अगर गाय के गोबर से बने हुए दिए में प्रयोग करें, दिया प्रज्वलित करने के लिए, तो कहा जाता है कि जो है जो आपके वातावरण में ऑक्सीजन है उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, क्या ये भी वैज्ञानिक सत्य है? जी, रूस फ्रांस जी, आप आज का तो समय है, आप हमारी बात मत मानिए, दर्शकों को मैं कहता हूँ कि गूगल पे रिसर्च कीजिए, रशिया के, फ्रांस के, जापान के, ऐसे 17 कंट्रियों के वैज्ञानिकों ने जो हमारे साथ इस पर शोध किया, क्योंकि गाय का घी कह देना, परंतु उसमें भी एक विज्ञान है कि वो घी हमने 7वीं 8वीं में भौतिक में पढ़ा होगा कि एक घर्षण होता है और एक उत्घर्षण होता है, परंतु आजकल भारत में या दुनिया में एक परंपरा बन गई, मिक्सी के अंदर हम घर घर कर कर वो घी मक्खन निकालते हैं जी, वो विधि गलत है। हमारी भारतीय सत्य सनातन संस्कृति संस्कार के साथ साथ विज्ञान आधारित है। हमारे यहाँ हमने देखा होगा पहले की हमारी माताएं बहने, अभी भी वो कल्चर हम खड़ी कर रहे हैं आप लोगों के प्रचार से, वो बिलोना घी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज, जब हम घर्षण और उत्घर्षण का उसमें एक विज्ञान है, तो विज्ञान के लोग जानते हैं उसमें से नेगेटिविटी कट जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। क्या बात है। और क्या हम लोग इस महान पर्व की भी बात कर रहे हैं, दीपावली के 5 दिन का ये पूरा पर्व होता है, उसको लेकर भी ये कथा है कि जब 14 बरस के वनवास के बाद राम जी जो है अयोध्या लौटे थे, और उनकी वापसी की खुशी में, प्रसन्नता में दिए जलाए गए और दीपावली का पर्व मनाया गया, लेकिन पूजन हम लोग करते हैं लक्ष्मी माता का। आपने बहुत सुंदर प्रश्न करा और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ सनसेट टीवी को और शर्मा जी आपको खासकर, कि इस प्रश्न में रहस्य छुपा हुआ है जी, और करोड़ों दर्शक चिंतित हैं कि राम जी के आने पर दीपावली बनी और पूजन कर रहे हैं लक्ष्मी जी, तो इसमें एक छोटा सा भेद है हमारे कुछ कथावाचकों से या हमारे जैसे वक्ताओं से थोड़ी सी भूल हो गई कि हमने उस बात को कहने में कहीं चूक हो गई, संकोच हो गया, उसका रहस्य केवल मात्र इतना है कि दीपावली का पर्व तो
श्री राम के आगमन पर आने पर अयोध्या में प्रारंभ हुआ लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, उसका भी एक रहस्य है कि जब लक्ष्मी माँ उन रत्नों के अंदर रतन देवी जब प्रकट हुई समुद्र मंथन में, तो वो अमावस का दिन था। और हमारे भारत में ये जो मास होते हैं, मंथ होते हैं, इसका महत्व नहीं होता। हमारे जो संस्कृति और संस्कारों में जो हमारा श्री देवालय जो देवताओं की बात करता है, श्री देवालय के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि गाय चलता फिरता देवालय है, सभी देवताओं का उसमें, देवी देवताओं का, तीर्थों का वास है। आपने प्रारंभ में ये कहा। और गाय का सबसे बड़ा विशेष कि जब ये रतन उसमें से निकले तो अमावस की उस कारण से, तो गाय के बिलोने घी से ही उस दिन दीप प्रज्वलित कर परंपरा लक्ष्मी माँ का जन्म उत्सव के रूप में होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि जो दर्शक इसको देख रहे हैं कि आज से संकल्प लें, इस वर्ष की दीपावली से हम माँ लक्ष्मी से साथ साथ श्री राम दरबार भी बैठाएंगे, क्योंकि राम का जो पर्व है दीपावली, वो तभी पूर्ण होगा जब राम वहां पे मंदिर में विराजमान और राम की पूजा होगी बाकायदा। और आपने कहा कि एक ही दिन जो है वो लक्ष्मी जी का उद्गम हुआ था समुद्र मंथन से, और ये एक कह सकते हैं बहुत ही सुंदर इत्तेफाक भी है कि प्रभु श्री राम भी 14 बरस के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या आए थे, इसीलिए दोनों का पूजन होना आवश्यक है। और लक्ष्मी पूजन तो हम बाकायदा पूरी रीति रिवाज और परंपरा से करते हैं, और राम पूजन भी हमें करना चाहिए। क्या जो आपने एक नया ट्रेंड सेट किया है, क्या सेट हो गया है? एक तो ये बात, गोबर, गाय के गोबर से जो सामग्रियां बनती हैं उसकी डिमांड क्या है, और क्या ये विधि आपने अपने पास ही रख रखी है या दूसरे लोगों को भी इसे सिखा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी दीपावली का पर्व आता है, विशेष रूप से उस दौरान प्रधानमंत्री का एक अपील होती है, एक संकल्प होता है जो है वो स्थानीय जो है उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाने के लिए कहते हैं, यानी कि वोकल फॉर लोकल के लिए बार बार अपील करते हैं। क्या उसका वो भी वोकल फॉर लोकल भी इससे जुड़ जाता है, गाय के गोबर से सामग्री या फिर वस्तुएं या फिर जो है देवी देवताओं को जब निर्मित किया जाता है उनकी मूर्तियाँ? बिल्कुल आपने सत्य कहा। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी 15 अगस्त पर यह आह्वान करा कि यदि हम भारत के लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जो गो उत्पाद निर्मित होते हैं, जो हमारे पर्वों पे प्रयोग होते हैं, अगर हम विदेशी सामान खरीदते हैं तो विदेशियों को जो प्रॉफिट होता है उससे वो हथियार हमारे सेना के नौजवान सुरक्षा में हैं, वो घायल होते हैं, हम ये पैसा देश का देश में रहे, तो जो आपने कहा लोकल फॉर वोकल, तो ये हमारा प्रयास और प्रधानमंत्री जी के आग्रह से तेजी से आगे बढ़ा कि गाय का गोबर देश के गांव में है और गांव के अंदर ही गरीब बहनें हैं। हमने गौ सेवा गतिविधि के माध्यम से उन गरीब बहनों को ये कलाकृतियां बनाने की ट्रेनिंग दी और वो गौ उत्पाद बनकर गांव से शहरों में आए, और शहर में जो बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियां युवक युवतियां हैं उनको हमने इन गो उत्पादों में, आप देख रहे होंगे श्री राम दरबार, ये माँ भवानी, अष्ट भवानी, शेरावाली, किस प्रकार ये कलाएं आप देख रहे हैं, इनकी कलाओं में भी रंग भरने की कला हम शहर के नौजवान युवक युवतियों को ट्रेनिंग देते। जी जी, तो हमने देखा कि राम दरबार जो है यहाँ पर है और माँ भवानी भी हैं, और अपने ये चोपड़ा है शायद जिसमें अक्षत रोली वगैरह रखते हैं वो भी गाय के गोबर से निर्मित है। क्या इसकी डिमांड कितनी है? क्योंकि जब प्रसार और विस्तार की बात आती है किसी भी सामान की या फिर वस्तु की, चीज़ की, तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किस तरीके का बाज़ार उपलब्ध हो पा रहा है गाय के गोबर से बने हुए सामान के लिए? पिछले 15 वर्षों से जो हमने ये प्रयास किया, पहले ये बाजार का विषय नहीं बना। आज वर्तमान में जो बाजार का
अभी इस दीपावली पर 6.5 करोड़ दीपक, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी डिमांड अगस्त तक हमारे पास आ चुकी थी। अगस्त तक। अच्छा। और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने वाले बहन भाई इस पर कार्य कर रहे हैं, वो मुश्किल से 4.5 लाख ही ये बना पाए। तो ये उत्साह का विषय है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के अंदर लोग भारत में बनी हुई चीजें और खासकर गो उत्पाद लेना चाहते हैं। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो हमारे भी इस कार्य को गति दे रहे हैं। तो डिमांड पूरी हो उसके लिए फिर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि डिमांड तो करोड़ों में है, बने हैं लाखों में है, तो उसकी भरपाई के लिए क्या कदम उठाए गए? उसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत साधुवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर अभी पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, उनमें भी ये रुचि जागी प्रधानमंत्री जी के आह्वान की कि हम भी कुछ बनाएं, बांटें, और जो गरीब लोग हैं उन्हें लगा हम ये बेचें। तो अभी लास्ट कार्यक्रम लक्ष्मीबाई कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज है, वहाँ हमारी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम बहनें 18, उन बहनों ने भी उस गोबर से वो दीपक बनाने की कला हमसे सीखी। तो ये जाति पाति धर्मों से ऊपर उठकर गौ संस्कृति का इतिहास है। और आपके माध्यम से मैं आह्वान करता हूं संसद टीवी की ओर से कि जो लोग देश में हमारी आवाज सुन रहे हैं, आचार्य गौदास की ओर से निशुल्क देश में जहां भी आप चाहेंगे हमारी टीम जाकर वहां ये कलाकृतियां बनाने की ट्रेनिंग आपको दे। ये कलाकृति बनाने की ट्रेनिंग तो आप देंगे, क्या उनको फिर बाजार भी उपलब्ध करवाएंगे या फिर उनसे खरीदेंगे भी वो जो सामान निर्मित करेंगे गाय के गोबर से? जी, मुझे याद आ रहा है कि आप ही के टॉक शो में चैनल पर एक भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री मेरे साथ ही थे पैनल में। और आपकी प्रेरणा से उन्होंने मुझे बताया जिस तरह आप विषय रखते हैं, तो वो मेरे से मिलने आए चांदनी चौक से साउथ दिल्ली में। तो मैंने पूछा बताइए मैं क्या सेवा, तो उन्होंने कहा कि गौदास जी जो आपके द्वारा लाखों दीपक बन रहे हैं वो करोड़ों बनने लगे, हम व्यापारी उनको मूल्य देकर लेंगे और उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग व्यापार मंडल करेगा। तो इसके लिए हम शहर के नौजवान युवक युवतियों को हम मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हम लोगों के पास गिफ्ट पैक बने हैं, अभी हमने 17,000 कॉर्पोरेट ग्रुप्स में, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है गरीब क्षेत्रों में बने हुए गौ उत्पाद लेंगे, तो गौदास जी ये आप हमें दीजिए, हम गिफ्ट पैक पर। तो 7.5 करोड़ का अभी तक गिफ्ट पैक का ही सामान हमारा जा चुका है। क्या बात है, समय समाप्त हो रहा है, लग रहा था कि आपसे बात करते रहें और आपके उत्पादों के बारे में और आपकी जो है तकनीक है उसके विषय में और जानकारी हासिल करें, लेकिन आपने कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ओर से आचार्य गौदास, गौ सेवा गतिविधि, संसद टीवी और संसद टीवी की संपूर्ण टीम जो इस कार्य में लगी है, उनको गौ माता की ओर से यश मान सम्मान धन वैभव और स्वास्थ्य प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं। और आपसे मैं एक प्रार्थना करूंगा, एक एक दीपक अवश्य इस वर्ष हम 1 चम्मच गाय का घी डालकर श्री राम दरबार रखकर वहां प्रज्वलित कीजिए और कामनाएं कीजिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो गावा विश्वस्य मात्रा का गाय माता है विश्व की, तो जो त्राही त्राही अत्याचार अनाचार लड़ाई युद्ध, ये तो हमारा गौतम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं। तो मैं आपके माध्यम से संदेश भी देता हूं कि ये दीप प्रज्वलित करते हुए गाय का सभी प्राणियों का कल्याण हो, ऐसी कामनाएं हृदय में धारण कर एक दीप संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रज्वलित। बिल्कुल प्रज्वलित करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार इस वर्ष एक बार नहीं बल्कि 2 बार दीपावली आ रही है। जी, आपको याद है कि दूसरी दीपावली कब आएगी? 22 जनवरी को दीपावली आने वाली है, जिस 14 वर्ष के वनवास का जिक्र हमने किया और जिन राम के आगमन पर दीपावली मनाई जाती है,
बरसों के प्रयासों और मेहनत के पश्चात 22 जनवरी को श्रीराम प्रभु जो हैं विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, रामनगरी में। तो उस दिन भी एक दीपावली मनाई जाएगी, वो महादीपावली होगी। दीपावली नहीं होने वाली, आप देखेंगे कि 22 जनवरी को जो तैयारियां देश में मैं देख रहा हूं वो तो महादीपावली का रूप ले। तो उसके लिए भी कुछ आपकी तैयारी चल रही है क्या? जी, आप जी, अपने उसके लिए हमने प्रभु जो श्री राम वहाँ तो उस रूप में नहीं है, वहाँ राम लला के रूप में है, उनका छोटा सा रूप है। हमने एक गाय के गोबर से बहुत सुंदर चौकी, और ये आप थाली देख रहे होंगे मेरे हाथ में जी। ये गाय के गोबर से बनी हुई है, इस तरह की एक गाय के गोबर की थाली। और प्रभु श्री राम लला को भी दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए ये गाय के गोबर से बने हुए आप देख रहे हैं लक्ष्मी और गणेश जी। इसी तरह 108 दीपक की जो ये थाली आप देख रहे हैं ये हमने वहाँ भेंट स्वरूप भेजी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए और प्रकाशित करने के लिए, और गाय के बारे में और गाय के गोबर में कितने गुण विद्यमान हैं वैज्ञानिक रूप से उसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दीपावली के लिए सारी शुभकामनाएं। यहाँ इस दीपावली विशेष में इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। नमस्कार।